तो इस सीन में हम देखते हैं कि राजपाल यादव जैसा दिखने वाला ये विलन, ये इस लड़की को किडनैप कर रहा है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी मूवी के हीरो की और विलन कहता है इसके ऊपर से गाड़ी उड़ा दो। एंड ये विलन अपनी गाड़ी हीरो के ऊपर से उड़ाने वाला है, लेकिन हीरो ने जंप मारी और इतनी ऊंची जंप मारी। अरे बाप रे, ग्रेविटी की इज्जत ना करते हुए हवा में लटक गया भाई, इतनी ऊंची गाड़ी के ऊपर से जंप लगा दिया। एंड अब इस बंदे ने गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर दिया है। गाड़ी इतनी ज्यादा स्लो है या फिर ये बंदा इतना ज्यादा तेज है कि ये भाग भाग के इस गाड़ी को चेस करने वाला है। फ्लैश की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, फ्लैश से ज्यादा तेज हो चुका है ये। एंड ये इसने कर दिखाया है, पैदल भागते भागते ये गाड़ी को पकड़ लिया है। एंड अब गाड़ी के अंदर बैठे हुए विलन को इसने घूरा और ये किक मारी और ये गाड़ी का दरवाजा तोड़ के निकल लिया है भाई उड़ान पे। उड़ते ही जा रहा है भाई, देखियो कहीं भाई चांद पे ना पहुंच जाइयो। हाय ला। तो यार एक्शन सीन्स पे वीडियो डाले हुए काफी टाइम हो गया एंड एक कमेंट जो मुझे आज तक आता है ना वो ये है कि यार भोजपुरी एक्शन सीन्स पे वीडियो बनाओ, तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं भोजपुरी फनी एक्शन सीन्स। चलो भाई ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो खत्म। इससे नहीं इसके आगे और क्या देखना चाहोगे तुम? हो गई भाई खत्म वीडियो, मेरे को बनानी नहीं इसके आगे वीडियो यार। ऐसी कौन सी अद्वितीय शक्ति है इसकी किक में कि ये लात मारी इसने गाड़ी को, इनोवा जैसी गाड़ी को। अबे हजारों टन की होती है वो गाड़ी, वो चक्कर खा के राउंड एंड राउंड घूमने लग गई है। एंड बाकी सब छोड़ो, एक बार इस बंदे की बाइक को ध्यान से देखो यार, टायर तक जमीन पे नहीं लग रहे, हवा में है दोनों टायर, तो बाइक सर आप पुरुष नहीं है? महापुरुष। ये ऐसे ही सीन्स को देख के ना ये फिजिक्स ग्रेविटी और लॉजिक भी बेचारे कहते होंगे और इस सीन में हम देखते हैं कि इस लाल गाड़ी में हमारी मूवी के हीरो नेरहुआ के भाई को एक विलन किडनैप करके लेके जा रहे हैं। और ये विलन ने उसके भाई को छोड़ दिया, लेकिन ओ शिट इसने तो रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। यहाँ पे नरहुआ अपने भाई की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन विलन रॉकेट लॉन्चर लेके खड़ा हुआ है एंड ये इसने रॉकेट छोड़ दिया। ओ माय गॉड, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटी तो एक मिस्टेक है। न्यूटन खुद साला पेड़ के नीचे बैठा सो रहा था, उसके सर पे सेब गिरा तो बोलता है ग्रेविटी है। अरे इनसे पूछो कहाँ है ग्रेविटी। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। यार अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, ये बाइक ऐसे कैसे उड़ा सकते हैं, ये कैसे उड़ सकती है ये बाइक। यार पहले मेरी बात समझो, देखो यार उस बाइक के भी कुछ सपने हैं, उसकी उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, वो उड़ना चाहती है, उसकी मर्जी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। और तुम्हें पता है इस सब में ना सबसे बढ़िया रिएक्शन था इस विलन का, उसको भी समझ आ गया कि भाई जब रॉकेट लॉन्चर तक का कोई फायदा नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे क्या करने आए हैं। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लॉजिक की उम्मीद करना मेरी गलती है, मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, यार ये पत्थरों पे कैसे स्लाइड कर रहा है? नहीं ये जो इसने बीच हवा में अपने बेडोल शरीर को ये आड़ी तड़ी शेप का बना के ये जो पत्थरों पे स्लाइड करके मैट्रिक्स के सीन को कॉपी करने की जो नाकाम सस्ती कोशिश करी है ना, इसके लिए इनको क्या बना? तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। नहीं रख लीजिए, देखिए प्लीज ये तोफू आप डिजर्व करते हैं, तो प्लीज इस तोफू को कबूल करें। तो हमारा हीरो यहाँ पे विलन्स की धुलाई करते हो और ये इसकी पीठ पे थप्पड़ मारा और ये इंसान है या फिर कॉस्को की बॉल जो ऐसे टप्पा खा के हवा में उछल गया है और ये दो लोगों के इसने लात मारी है जो दोनों हवा में लटक गए हैं। जी हाँ ये देखिए तीसरे विलन को इसने मारा और वो नीचे भी गिर गया, लेकिन वो दोनों अभी भी गिर रहे हैं। ग्रेविटी वो देखो पीछे बैठी पॉपकॉर्न खा रही है, वाओ वाओ वो देखो लोग हवा में लटके हुए हैं, मेरी एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में आती हूँ।
निरहुआ बाबा की, सारे बोलो जय, बोलो जय। निरहुआ बाबा आपका स्वैग, इट्स ओवर 9000। वो साउथ इंडियन मूवीज में बंदा ट्रक के नीचे से घोड़ा निकाल देता है। और अपनी भोजपुरी मूवीज में निरहुआ भैया, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एक सेकेंड, क्या एलियंस ने धरती पर आने से मना कर दिया? सुनने में आया है कि यही भोजपुरी मूवी का सीन देख के एलियंस भी घबरा गए, इंसानों की शक्तियों से अब डरने लगे हैं एलियंस। बस यार, इस सीन को देखने के बाद ना मेरी इच्छा खत्म हो गई है और आगे वीडियो बना पाने की। तो हम एक काम करेंगे, बाकी के बचे हुए सीन्स हम पार्ट 2 में देखेंगे जो मैं बनाऊंगा अगर तुम इस वीडियो को लाइक करोगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, एंड हाँ बस लाइक कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।